जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं ऋतुराज पांडे आप सभी का मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस विद ऋतुराज में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है रीवा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टनल। साथियों, चलिए हम आपको विस्तार से पूरे टनल के बारे में बताते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं। साथियों, ये आपको सामने दिख रहा है, ये रीवा सीधी का ओवरब्रिज है और ये जो आपको साइड में पहाड़ दिख रहा है चारों तरफ ऊंचा ऊंचा, यही है दोस्तों मोहनिया घाटी का पहाड़। ये पहाड़ रीवा और सीधी के बीचों बीच स्थित है। साथियों, हम आपको जिस पहाड़ को दिखाने जा रहे हैं, जिस टनल को दिखाने जा रहे हैं, वो इसी मोहनिया घाटी पहाड़ पर स्थित है। वो देखिए सामने आपको दिख रहा है। साथियों, इस टनल को बनने में लगभग 6 से 8 महीने का समय लगा है और आज इसका उद्घाटन है, जिसके लिए वो देखिए सामने पंडाल पर श्री शिवराज सिंह जी और नितिन गडकरी जी आए हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, दिल थाम के बैठिए, आप देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टनल, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। तो साथियों, इस पहाड़ की खूबी यह है कि इस पहाड़ के ऊपर से सड़क जाती है और पहाड़ के किनारे किनारे नहर जाती है और पहाड़ के अंदर आप देख रहे हैं टनल, जो कि सुरंग है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। तो साथियों, लीजिए हम टनल के पास आ चुके हैं। साथियों, इस पहाड़ में दो टनल बने हुए हैं। अभी हम जिस तरफ हैं, ये सीधी से रीवा जाएगा लेफ्ट साइड में और इस तरफ राइट साइड में वापस आने का है रीवा से सीधी की तरफ। तो साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल हैप्पीनेस विद ऋतुराज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो आइए साथियों, अब हम आपको टनल के अंदर ले जाएंगे। ये ट्यूब 2 है और विस्तार से बताएंगे कि पूरे टनल में कहाँ क्या बना हुआ, कहाँ क्या लगा हुआ है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए आपको अच्छे से बताते हैं। साथियों, ये आप ऊपर की तरफ देखिए, ये एयर प्यूरीफायर है, शायद पंखा है, जो कि बहुत बड़ा आप देख रहे हैं। पूरे दोनों टनल में चारों तरफ ये बीच बीच में आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको शुद्ध और ताज़ी हवा मिल सके, गर्मी का अनुभव न हो। साथियों, ये टनल 6 लेन का बना हुआ है, एक बार में एक टनल में 3 गाड़ियाँ बहुत आराम से जा सकती हैं। आपको प्रकाश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था किया गया है, यहाँ पर बहुत से LED लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे आपको दिन रात कभी भी प्रकाश के लिए कोई दिक्कत ना हो। साथियों, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सैकड़ों हाईटेक CCTV कैमरा लगाया गया है और आप देखिए दाहिने साइड में आपको बीच बीच में दोनों टनल के बीच में ऐसे पासेज आपको मिलेंगे, जिससे आप आराम से अगर आपको बीच में दूसरे साइड जाना हो तो आप जा सकते हैं। दोस्तों, यह टनल इतना खूबसूरत, इतना सुंदर है कि यह लोगों के लिए हॉट स्पॉट बन चुका है। यहाँ पर लोग ब्लॉगिंग के लिए, वीडियो बनाने के लिए, घूमने के लिए अपने परिवार के साथ बराबर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों टनल में से हर टनल का चौड़ाई लगभग 13 मीटर और ऊंचाई लगभग 6 मीटर है। बहुत पर्याप्त जगह दिया हुआ है। देखिए, अब हम लोग दूसरे छोर में पहुँचने वाले हैं। लीजिए साथियों, हम लोग टनल को पार कर पूरा टनल को घूमते हुए दूसरे छोर पर बाहर आ चुके हैं। देखिए बाहर का दृश्य कितना खूबसूरत बना हुआ है। दोस्तों, अगर अभी तक आप यहाँ घूमने नहीं आए हैं तो जल्दी ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहाँ पर घूमने आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो साथियों, आपको मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टनल रीवा सीधी टनल घूमकर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मेरे चैनल हैप्पीनेस विद ऋतुराज को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।